हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नवरात्रि 9 कलर सीरीज में। और आज का थीम है ऑरेंज। एंड मेरे ये आउटफिट को देख के आप कंफ्यूज मत होना कि ये रेड लग रहा है, ऑरेंज थीम कैसे होगा। तो ये ना थोड़ा बर्न ऑरेंज कलर है। और ये ड्रेस मेरा करीब 12 साल पुराना है, तो इसका मैं फुल लुक भी आपको दिखाऊंगी। एंड ये जो सूट है उसका डिज़ाइन देख के आपको लग ही रहा होगा कि एकदम जड़ी बूटी भरा हुआ है। तो इस टाइप के ड्रेसेस अधिकतर मतलब 10 साल पहले ही चलते थे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉइस्चराइज़र लगा के। एंड जिस दिन मैं ये शूट कर रही थी वीडियो, सच में बहुत ही गर्मी लग रहा था। नाम का मॉनसून सीज़न है यार, मतलब बड़ा ही गर्मी गिर रहा है। और अगर आपने फ़ैन ऑफ किया है तब तो समझो हो गया कांड। तो अब नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, और ये ना टिंटेड प्राइमर है। ठीक है, तो लैक्मे मॉइस्चराइज़र के बाद मैं प्राइमर लगा रही हूँ जो कि टिंटेड है। टिंटेड का मतलब होता है जिसमें हल्का सा एक कलर होता है फाउंडेशन का। तो ये टिंटेड मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी। सारे चीज़ें टिंटेड है, मतलब हल्का हल्का फाउंडेशन कलर है, तो ऑलरेडी ये मेरे स्किन में एक अच्छा स्किन कलर दे देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही फाउंडेशन। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन, एंड ये भी टिंटेड ही है। आप देख रहे हैं फाउंडेशन कलर का सनस्क्रीन है, और ये सनस्क्रीन ना बहुत बहुत स्मूथ है, एकदम सिल्की टेक्सचर देता है मेरे फेस को। ये पॉप एक्सो का सनस्क्रीन है। ये आप माइग्लैम के वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा, या आप अमेजोन के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप इसे फेस पे, नेक पे, एंड जो बचा हुआ है आप उसे अपने बॉडी पे, हाथ पे लगा सकते हो। सनस्क्रीन है तो ये हमें सन से प्रोटेक्शन देगा ही। और ये वाला सनस्क्रीन में थोड़ा मेकअप वाला इफेक्ट भी है, इसीलिए मैं इसे अपने मेकअप रूटीन में ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से आपको अपने पूरे फेस में इसे अप्लाई कर लेना है। लुक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि दोनों स्टेप मैंने टिंटेड कलर यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा कंसीलर कर लेते हैं। एंड ये स्विस ब्यूटी का पेन कंसीलर है। आप नीचे से पेन को रोटेट करेंगे तो ऊपर से कंसीलर आता है, एंड उसके टिप पे इस पेन का उसमें एक स्पंज लगा हुआ है। इसी से मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने नोज पे, अंडर आईज पे, लिप्स के पास, और ये कंटूर के थोड़ा नीचे मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला। अच्छा, शेड वेड में सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं आपको दे दूंगी या स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। और ये कंसीलर ही मैंने बहुत यूज़ कर लिया है जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत था। तो अब इसे ब्लेंड करेंगे, एंड मुझे नहीं लगता कि अब फाउंडेशन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये एनफ लग रहा है। एंड ये आपको देगा कवरेज मीडियम से हाई तक। अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो मीडियम कवरेज देगा, एंड थोड़ा अच्छे से आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको हाई कवरेज देगा। बट आप देखो रिजल्ट्स, आप देख रहे हो मेरे फेस पे कवरेज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम फाउंडेशन वाला इफेक्ट दे रहा है। कंसीलिंग भी किया मेरे फेस पे, और डबल डबल इफेक्ट मिला मुझे फाउंडेशन का भी और कंसीलर का भी। तो इसीलिए अब मैं कोई फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड इस पूरे बेस को मैं सेट कर दूंगी लैक्मे का ये लूज पाउडर से। ब्रश से ही मैं अच्छे से अपने पूरे फेस को सेट कर लूंगी, और फिर बाद में ब्रश से ही मैं ब्लेंड कर लूंगी। आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आईब्रो पेंसिल, जो कि है ब्लैक कलर का। तो इससे अपने आईब्रो को आप शेप दे सकते हैं। मैंने अपने आईब्रो के अकॉर्डिंग किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। आईब्रोज के बाद अब थोड़ा आई लुक पे आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट लिया है, और उसमें से लाइट ऑरेंज कलर लेके पहले मैं बेस बनाऊंगी अपने आईज पे। ठीक है, ये अपने आईज के जो आउटर एरिया होता है वहाँ पे मैं इसे ब्लेंड करूंगी अच्छे से। बस अपने आईज के अंदर ही रख के आपको करना है, आईज के बाहर आपको आई शेडोज नहीं लगाना है। नेक्स्ट मैं अब आई लिड्स पे एक शिमरी ऑरेंज कलर लूंगी, जिसके लिए मैं थोड़ा डार्क वाला ऑरेंज कलर ले रही हूँ, जो कि मेरे आउटफिट से थोड़ा मैच हो रहा है। ठीक है, स्विस ब्यूटी का लिक्विड गोल्ड आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ जस्ट आई लिड्स पे, हल्का हल्का सेंटर पे। और जब सब कुछ हो जाए तो एक मेकअप ब्रश लेके आपको अच्छे से सबको ब्लेंड कर देना है, ताकि कुछ भी ना मतलब हार्श लाइंस ना दिखे। और फिर आप अपने लोअर आई लैशेस में भी अच्छे से ऑरेंज शिमरी शेड को अप्लाई कर दो। एंड यहाँ पे होता है लुक कंप्लीट आईज का। उसके बाद अभी बाकी है, ठीक है, मतलब आई शेडो का काम ख़त्म। अब मैं एक काजल ले रही हूँ जो कि है बेलोरा पेरिस का, बहुत ही मस्त वाला काजल है। इसी से मैं आई लाइनर करूँगी एंड काजल करूँगी। मुझे काजल से आई लाइनर ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा, और वैसे भी ये वाला काजल बहुत ही अच्छा है, मतलब पिगमेंटेड है, बहुत ही स्मूथली ग्लाइड होता है। साथ में लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ।
और अच्छे से आपको मस्कारा लगा लेना है। मैं आज फेक लैसेस नहीं यूज़ करूँगी। ये होने के बाद अब आते हैं हाइलाइटर एंड ब्लश पे। अरे मरीस मल्होत्रा का ये हाइलाइटर एकदम बॉम है, बट ये ना बड़ा पाउडरी है। आप हल्का सा लगाओगे तो सही है, लेकिन ब्रश से मैं ले रही थी तो बहुत ही पाउडर पाउडर उड़ रहा था। ये अभी मेरे फेस पे पूरा ये हाइलाइटर का पाउडर उड़ रहा था, इस तरह से चौकी है बहुत। लेकिन आप हल्का हल्का फिंगर से करोगे तो ठीक है। और इसी का मैं ब्लश भी लगाऊंगी, इसके साथ ट्विन वन आता है ये हाइलाइटर एंड ब्लश। एंड आप देख रहे हैं ना, ये हाइलाइटर एकदम मस्त है, मस्त। लेकिन अच्छा है पर कॉस्टली भी है, 700 का आता आई थिंक। और ये मैं लगा रही हूँ ब्लश, ब्लश बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट। उल्टा ज़्यादा ले रही हूँ तो मैं और शाइनिंग हो जा रहा है, तो मैंने हल्का ही लगाया। नेक्स्ट है कलर एसेंस का ये लिपस्टिक पैकेजिंग, ये बहुत बकवास। मतलब नीचे में एकदम थोड़ा सा दिया है पकड़ने के लिए, ठीक से पकड़ना ही नहीं हो पाता हाथ से और खुलता भी नहीं जल्दी। तो ये बड़ा ही ड्राई लिपस्टिक है। आप देख रहे हैं कब से मैं घिस रही हूँ अपने लिप्स पे, फिर जाके कलर दिया है, रस्टी ऑरेंज कलर है। एंड यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा इयररिंग पहनूँ, ये वाला या ये छोटू सा। तो मैंने सोचा कि ये टेसल वाला ही वेयर करते हैं। एंड ये हो गया मेरा डन। थोड़ा सा मैंने क्या किया, दुपट्टा ले लिया है अपना, ये 12 साल पुराने वाले ड्रेस का दुपट्टा लिया है। एंड हाथ में एक मैंने गोल्ड बैंगल्स लिया है और एक रिंग, बस और कुछ भी नहीं। एंड ये लुक को ना मैं ऑरेंज से ज़्यादा ओल्ड जमाने वाला लुक मैं दूंगी नंबर, क्योंकि ये सच में एकदम ओल्ड वाला लुक लग रहा है मेरा, एकदम ओल्ड ओल्ड। मतलब 12 साल पुराना वाला टाइम में मैं चली गई हूँ ये ड्रेस पहन के। साइड में मैं इसका फुल लुक भी दिखा दूंगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, गिव अवे चल रहा है तो पार्टिसिपेट कर देना। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।